हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी IIBF डिप्लोमा कोर्सेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और EPDF नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिविजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजिली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपका ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग रिस्क ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिस्क ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझते हैं कि रिस्क ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होता क्या है। तो सिंपली देखो, रिस्क ऑर्गेनाइजेशन एक यूनिट होता है, डिपार्टमेंट होता है, जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क को आइडेंटिफाई करता है, रिस्क को असेस करता है और मैनेज करता है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। उसने आप एक अपना यहाँ पर डिपार्टमेंट बनाया, जिसके अंदर उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड, सेल्स डिपार्टमेंट के हेड, उनको यहाँ पर जो है इंक्लूड किया। अब इस डिपार्टमेंट का काम क्या है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो भी रिस्क यहाँ पर फेस करती है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको असेस करना कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसको मैनेज करना ताकि ज्यादा लॉस जो है ऑर्गेनाइजेशन को ना हो। तो ये जो डिपार्टमेंट है या फिर ये जो यूनिट है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये रिस्क ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहलाएगा। तो अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो ये बेसिकली क्या है, यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि रिस्क को आइडेंटिफाई करता है, असेस करता है और मैनेज करता है। इस यूनिट के अंदर हमारे जितने भी रिस्क टेकर हैं, जो कि रिस्क लेते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ऑडिटर्स हैं, और कोई भी जो हमारे रिस्क के साथ रिलेटेड है उसको इंक्लूड किया जाता है, और ये साथ में मिलकर जो है रिस्क को मैनेज करने का काम जो है वो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस की, कि हमारा जो रिस्क ऑर्गेनाइजेशन है उसको सेटअप कैसे किया जाता है, क्या क्या स्टेप यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। तो इस प्रोसेस का जो पहला स्टेप है वो क्या है, बैंक वाइड ऑडिट। इसके अंदर हम ऑडिटिंग करते हैं। ऑडिटिंग करने का मतलब क्या है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस है, फंक्शंस है, हायरार्कीज है, उनके अंदर क्या क्या रिस्क फेस किया जा रहा है, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिससे लॉस होने के चांसेस हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। इस ऑडिट के अंदर हम मेनली जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है या फिर जो प्रोसीजर्स हैं उनको प्रॉपरली चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ताकि उसके बेस पर हम जान सके कि हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में इस वक्त कौन कौन से गैप्स हैं, यानी कि कौन कौन से लूप होल्स हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रिस्क अराइज हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, हमारा जो सिस्टम है वो इनएडिक्वेट हो सकता है, डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली चेक नहीं किया जा रहा हो, या फिर जो मैन पावर है वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, जो हमारा रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो इनएडिक्वेट है। तो इन प्रॉब्लम्स को हम इस ऑडिट के जरिए जो है पता लगाते हैं, ताकि इसको सुधार कर हम अपने सिस्टम में इंप्रूवमेंट जो है वो कर सके। नेक्स्ट स्टेप है हमारा असेसमेंट ऑफ करंट रिस्क एनवायरनमेंट एंड प्रैक्टिसेस। इस स्टेप के अंदर हम करंटली एट प्रेजेंट कौन कौन से रिस्क फेस कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई जो है वो किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देखो तो बैंक कौन कौन से रिस्क फेस कर सकता है, जैसे इंट्राडे ओवरनाइट ट्रांजेक्शन में वो एक्सेसिव ट्रांजेक्शन कर रहा है जिससे रिस्क इंक्रीज हो रहा है, या फिर उसका जो कंसंट्रेशन है स्पेसिफिक एरियाज में वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, या फिर जो हमारा डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रेजरी कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो इनकी वजह से क्या है, बैंक को लॉस हो सकता है। तो इस वक्त एक बैंक कौन कौन से रिस्क फेस कर रहा है उसको हम इस स्टेप के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं।
नेक्स्ट क्या है, बेंचमार्किंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसके अंदर बेसिकली हम कितना रिस्क ले सकते हैं वो डिसाइड करते हैं, यानी कि हम एक रिस्क की लिमिट जो है वो डिसाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो, एक सिंगल पार्टी को जो बैंक है वो मैक्सिमम 50 करोड़ रुपीज का यहाँ पर लोन दे सकता है, यानी कि इसका ही रिस्क ये उठा सकता है। तो ये बेसिकली एक तरह का हमने क्या किया, स्टैंडर्डाइजेशन की, बेंचमार्किंग की, हमने एक लिमिट फिक्स कर दी कि बैंक इसके अंदर में ही यहाँ पर रिस्क लेगा, इससे ज्यादा रिस्क यहाँ पर नहीं लेगा। क्लियर है? तो ये जो बेंचमार्क है, स्टैंडर्ड है, वो हमेशा हमें हमारे जो हिस्टोरिकल ट्रेंड रहे हैं, हमारी जो परफॉर्मेंस रही है, जो हमारे बिजनेस प्लान रहे हैं, या फिर जो हमारा फोकस है, फोकस एरिया है, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड जो है वो करने चाहिए। और जैसे जैसे चेंजेस होते रहते हैं, समय बीतता है, तो हमें अपने बेंचमार्क में, हमारे स्टैंडर्ड में जो है वो चेंजेस लाते रहने चाहिए, यानी कि उनको प्रॉपरली रिवाइज करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उनको मॉडिफाई करना चाहिए। और अगर इस चीज की भी जरूरत पड़े कि हमें एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को रिमूव करके नया स्टैंडर्ड ले आना है, तो वो भी हमें यहाँ पर लेना चाहिए, ताकि ये जो रिस्क है उनको हम प्रॉपरली मैनेज कर सके। क्लियर है? और ये जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ना, जिनको हम रिवाइज करें, वो हमेशा हमारे बिजनेस के प्लान के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, यानी कि बनाने भी हमें बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग है और इनको रिवाइज भी बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग ही करना है। क्लियर है? जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखो, अगर आपका फोकस है कि हमें ट्रेडिंग करके ज्यादा से ज्यादा इनकम कमानी है, यानी कि हमें सिक्योरिटीज की सेल परचेज करके ज्यादा से ज्यादा इनकम कमानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले एक स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन फिक्स करना है, एक फ्रेमवर्क बनाना है, एक लिमिट डिसाइड करनी है कि ट्रेजरी ऑपरेशंस के अंदर आप सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग कितनी कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग ही आप फंक्शंस यहाँ पर परफॉर्म करोगे, इस लिमिट के अंदर ही फंक्शन परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिजाइन रिस्क आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। तो इस स्टेप के अंदर हमें एक ऐसा सिस्टम, एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करना है, डेवलप करना है, जिसके हेल्प से हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी रिस्क फेस कर रहे हैं उसको हम आइडेंटिफाई करें, उसको हम मेजर कर सके और उसको हम मॉनिटर भी कर सके, ताकि उसको कंट्रोल में रखा जा सके। तो इस मेथड के अंदर हमें यहाँ पर बहुत सारे टूल्स, टेक्निक्स का यूज करना होता है, जिसकी हेल्प से हम लोएस्ट लेवल से लेकर अपर लेवल तक जो भी रिस्क होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, असेस कर पाते हैं और मॉनिटर भी कर पाते हैं। तो इस स्टेप के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, साथ के साथ जो हमारे अदर फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, फंक्शनर्स होते हैं, उनके साथ हम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं। जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होता है उसको हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ताकि रिस्क को जो आइडेंटिफाई और मेजरमेंट और मॉनिटरिंग प्रॉपरली हो सके। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है और जो लास्ट स्टेप है वो है डिफाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसके अंदर हमारी रिस्क ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके रोल्स क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, वो हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, या फिर जो कमिटीज है, जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी है, उसके क्या रोल होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हें क्या काम करना है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें यहाँ पर फिक्स करनी है और उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पर करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं परपोजिस्ट फॉर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक्स। यानी कि अगर हम इफेक्टिवली रिस्क मैनेजमेंट करना चाहते हैं बैंक्स के अंदर, तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहली जो क्वालिटी है वो है कमिटमेंट फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट। यानी कि बैंक के अंदर जो रिस्क मैनेजमेंट किया जा रहा है उसके अंदर सीनियर मैनेजमेंट की जो पार्टिसिपेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। इसीलिए सीनियर मैनेजमेंट को यहाँ पर कमिटमेंट करनी चाहिए कि वो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली जो है वो करेंगे, यानी कि जितना हो सके वो कंट्रीब्यूट करेंगे, ताकि जो रिस्क है बैंक के उनको प्रॉपरली मैनेज जो है वो किया जा सके। और ये कमिटमेंट है वो ऐसे ही हवा में नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये विजिबल होनी चाहिए, टेंजिबल होनी चाहिए, यानी कि जो सीनियर मैनेजमेंट है उसको रिस्क को मैनेज करने के लिए एक्शन लेने जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनको यहाँ पर सफिशियंट रिसोर्सेज को प्रॉपरली यहाँ पर एलोकेट करना है रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन के लिए, यानी कि फंड्स प्रोवाइड करने, साथ के साथ जो हमारे रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज है उनके अंडर एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट भी करना है। नेक्स्ट क्या है, क्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो जनरली देखो एक यहाँ पर मिथ है। मिथ का मतलब क्या है, लोग का मानना है कि जो रिस्क मैनेजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ जो रिस्क ऑर्गेनाइजेशन है वही यहाँ पर परफॉर्म करती है, उसका ही काम है रिस्क को मैनेज करना। पर ये एक तरह का मिथ है, यानी कि एक झूठ है।
असलियत में रिस्क को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं वो सभी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि छोटे से छोटे इंप्लॉय से लेकर बड़े से बड़ा जो ऑफिसर है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क को मैनेज करने के लिए काम करेगा, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जितने भी हमारे इंप्लॉयज हैं चाहे उनकी पोजीशन कोई भी हो, उनको हमें कन्विंस करना जरूरी होता है कि भाई जो रिस्क मैनेजमेंट है ना ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्क को मैनेज करने में आपका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है और आपको भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा जो है वो लेना है। इसके लिए जरूरी है कि जो रिस्क है उसके रिगार्डिंग जितना भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट किया जाए सभी इंप्लॉयज के पास, ठीक है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए ताकि वो रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं ताकि हमारे जितने भी रिस्क हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में हैं उनको हम यहाँ पर मैनेज कर सके, जैसे क्रेडिट रिस्क हो गया, ऑपरेशनल रिस्क हो गया, मार्केट रिस्क हो गया, इन सभी को मैनेज करने के लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज और प्रोसीजर को बनाना जरूरी है। और चेंजेस के हिसाब से हमें मतलब समय के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर हमारी इकोनॉमी के अंदर उसके अकॉर्डिंग हमें इन पॉलिसीज को रिव्यू भी करना है और इसको अपडेट भी करना है और जरूरत पड़ने पर पॉलिसी को चेंज करके नई पॉलिसी भी लेकर आनी है। नेक्स्ट क्या है, एडिक्वेटली स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस मैन पावर। तो रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें स्किल्ड और एक्सपीरियंस मैन पावर की यहाँ पर जरूरत है, ठीक है, यानी कि अगर हम रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली करना चाहते हैं तो जो मैन पावर है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए, मतलब इतनी स्किलफुल होनी चाहिए कि वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दे सके। तो इसके लिए हमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम यहाँ पर बनानी है, यानी कि एक ऐसी टीम बनानी है जिसके अंदर हम अलग अलग फील्ड से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इंक्लूड करें और वो अपने स्किल का यूज करके रिस्क को मैनेज करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके, ठीक है। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी है कि जो एक्सपर्ट्स हों वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो और इनकी ट्रेनिंग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं रिलायबल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पर यूज करना है रिस्क को मैनेज करने के लिए, बट कंडीशन ये है कि जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो रिलायबल होनी चाहिए ताकि वो हमारे फ्रंट मिडल बैक ऑफिस के जो फंक्शंस हैं उनको सपोर्ट कर सके, यानी कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम अपने बैंक के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उनको प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। साथ ही साथ ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए ताकि हम किसी भी तरह का यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज ना करें अपने एफिशिएंसी के साथ, क्योंकि कई बार होता है ना टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, अगर हम गलत टेक्नोलॉजी यूज कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, टेक्नोलॉजी अपने रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट क्या है, डाटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। तो प्रॉपर तरीके से रिस्क असेसमेंट करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए जो डाटा होना चाहिए वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, कुछ भी वहां पर जो है गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर डाटा ही गलत है तो उसके बेस पर आप जो डिसीजन लेंगे वो गलत होगा और अल्टीमेटली आप रिस्क को प्रॉपरली मैनेज नहीं करोगे। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि कुछ आप ऐसे मेजर्स को इंप्लीमेंट करें ताकि आपके सिस्टम में किसी भी तरह का अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट किया जा सके, हमारा जो डाटा है उसको यहाँ पर मॉडिफाई करने से बचाया जा सके और डाटा के लॉस होने से बचाया जा सके और हमारे पास एक्यूरेट डाटा जो है वो कंप्लीट फॉर्म में मिल जाए ताकि हम उसके बेस पर डिसीजन मेकिंग कर सके। तो सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो रिस्क असेसमेंट डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमें डाटा चाहिए और डाटा एक्यूरेट चाहिए, कंप्लीट चाहिए, बिना किसी धोखेबाजी के। तो उसके लिए हमें कुछ स्ट्रिक्ट कंट्रोल और प्रोसीजर को यूज करना है ताकि डाटा एक्यूरेट रहे, कंप्लीट रहे और सिक्योरिटी भी उसकी मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्या है, मॉडल वैलिडेशन एंड ऑपरेटर एक्सपर्टीज, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटेटिव मॉडल्स का यहाँ पर यूज करते हैं जिसके बेस पर ही हम रिस्क को असेस कर पाते हैं और उसको मैनेज करते हैं। तो हमारे लिए जरूरी है कि ये जो मॉडल्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, यानी कि इफेक्टिव होने चाहिए, ये हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे। इसके लिए जरूरी है कि आप समय समय पे ये जो मॉडल्स यूज करें उसको आप वेरीफाई करते रहो, इसको वैलिडेट करते रहो कि ये इफेक्टिव है या फिर नहीं है। जैसे होता है ना कि एक मॉडल हो सकता है कि 2005 में बहुत इफेक्टिव हो उस समय उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पर 2020 में वो बिल्कुल इनइफेक्टिव है, ठीक है। तो अगर आपने वही मॉडल बिना किसी वैलिडेशन के यूज करते रहे तो कोई फायदा नहीं होने वाला 2020 में। तो आपको मॉडल को वैलिडेट करना जरूरी है कि ये प्रॉपर है भी या फिर नहीं है, ठीक है, ये हमें रिजल्ट जो हमें चाहिए वो हमें प्रोवाइड कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो चीज हमें देखनी है। साथ के साथ जो ऑपरेटर है यानी कि जो उस मॉडल को यूज करेगा उसकी एक्सपर्टीज भी देखनी है। हो सकता है ना कि मॉडल तो सही है, मॉडल बिल्कुल अच्छा है, परफेक्ट है, पर जो ऑपरेटर है जो उस मॉडल का यूज कर रहा है
वो यहाँ पर एक्सपर्ट नहीं है, उसके पास वो स्किल ही नहीं है उस मॉडल को यूज करने की, तो अल्टीमेटली क्या होगा, रिजल्ट गलत आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो जाएगा। तो मॉडल को भी वैलिडेट करना है और जो एक ऑपरेटर है उसकी एक्सपर्टीज को भी वैलिडेट करना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन और लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो ये चीजें जो है आपको देखनी है, सभी के साथ जो आप एक्सपीरियंस करते हो, जो डिसीजन लेते हो, उसके आप डॉक्यूमेंटेशन करके रख लो, ताकि फ्यूचर में जो रिस्क मैनेजमेंट एफर्ट्स होंगे वो करने में आपको हेल्पफुल हो। जैसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जिससे रिस्क को आपने प्रॉपरली मैनेज कर पाया, तो आप इसको क्या करोगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, ताकि सेम तरह की अगर सिचुएशन फ्यूचर में आए तो आप इस मेथड को यूज करके इसको प्रॉपरली जो है वो मैनेज कर सको, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन करनी जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं फंडामेंटल्स फॉर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक, यानी कि इफेक्टिवली अगर हम रिस्क मैनेजमेंट करना चाहते हैं बैंक के अंदर तो क्या क्या फंडामेंटल्स रूल्स हैं या फिर प्रिंसिपल्स हैं जिसे हमें यूज करने की जरूरत है। तो पहला इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है डाटा क्वालिटी एंड अकाउंटिंग। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि रिस्क असेसमेंट करने के लिए, रिस्क को मेजर करने के लिए जो डाटा है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके बेस पर ही हम रिस्क को असेस भी कर पाते हैं, आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं और मेजर भी कर पाते हैं। तो जो डाटा होना चाहिए ना, ये क्वालिटी होना चाहिए, मतलब कि क्वालिटी डाटा का मतलब कि ये बहुत अच्छा डाटा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अब ज्यादातर जो डाटा होता है वो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ही हमें मिल पाता है, यानी कि एक बैंक ने कौन कौन सी बैंक की एसेट्स हैं, कौन कौन सी लाइबिलिटीज है ना, उस डाटा के बेस पर हम देखेंगे ना कि बैंक कितना रिस्क जो है वो फेस कर रहा है, ठीक है। तो हमें प्रॉपर सिस्टम एम्प्लॉय करने हैं, इस्टेब्लिश करने हैं, ताकि जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट एंड लाइबिलिटीज हैं उनको हम प्रॉपरली मैनेज कर सके, और उसके साथ जुड़ा जो रिस्क है उसको भी हम प्रॉपरली मैनेज कर सके। साथ के साथ हमें रेगुलर ऑडिट्स भी यहाँ पर करवाते रहना चाहिए, जैसे कि हम डेली ओवरसाइट करवा सकते हैं, यानी कि रेगुलर बेसिस पे, कंकरेंट बेसिस पे ऑडिट करवा सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिट करवा सकते हैं, या फिर एनुअल एक्सटर्नल ऑडिट भी करवा सकते हैं, और रेगुलेटरी रिव्यूज भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है सेग्रेशन ऑफ ड्यूटीज। तो जो ड्यूटीज है ना उसे हमें डिवाइड कर देना है। जैसे अगर हम ट्रेजरी ऑपरेशन की यहाँ पर बात करें तो ट्रेजरी ऑपरेशन के अंदर जो ट्रेडिंग रूम है और जो बैक ऑफिस फंक्शन है उसे हमें अलग अलग कर देना है। ट्रेडिंग रूम बेसिकली यहाँ पर वो डिपार्टमेंट है जहां पर जो सिक्योरिटीज वगैरह है उसकी सेल परचेज की जाती है, यानी कि जो ट्रांजेक्शन को शुरू करता है, ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करता है। बैक ऑफिस फंक्शन में बेसिकली उस ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने का काम जो है वो किया जाता है, उसके रिगार्डिंग जो पेपर वर्क होता है उसको करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं आपको, तो मान के चलो एक ए पर्सन है, बी पर्सन है, ठीक है। तो ए पर्सन जो है डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील कर रहा है, ठीक है, और जो बी पर्सन है वो बैक ऑफिस में बैठकर जिससे रिलेटेड, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो हमारे यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट है वो प्रिपेयर कर रहा है, जो पेपर वर्क है वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो जो ये है वो ट्रेडिंग रूम के अंदर है और ये बैक ऑफिस के फंक्शन के अंदर है, तो इसे हमें सेपरेट करना है। क्यों सेपरेट करना है, क्योंकि जब ये दोनों काम एक ही पर्सन करता है ना, तो वहां पर जो फ्रॉड के चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं। जैसे मान के चलो इसने 50,000 की सिक्योरिटी सेल की और इसको ही काम दिया गया है पेपर वर्क या फिर जो अकाउंटिंग उसको करने का, तो इसने एंट्री जो है वो गलत करके इसको 60,000 भी कर सकता है, तो गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें अलग अलग यहाँ पर करना है। तो जो और ये सेपरेशन की हेल्प से जो पर्सन यहाँ पर रिकंसिलेशन वर्क करता है उसको भी हमें यहाँ पर सेपरेट करना है, यानी कि जो मैच करता है कि ट्रांजेक्शन जो यहाँ एक पर्टिकुलर अकाउंट में एंटर की गई है और जो दूसरे अकाउंट में एंटर की गई है उनको जब मैच किया जाता है तो गलतियां जो है वो फाइंड आउट होती है, जो फ्रॉड होते हैं वो निकलते हैं। तो वो जो पर्सन है उसको भी हमें अलग करना है, जो अकाउंट्स को रिकनसाइल करेगा, और उसके पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि वो किसी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, क्योंकि जब जरूरत आने पर कोई गलती निकलती है तो वो अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकता है, अल्टर कर सकता है, जिसका कोई बेनिफिट नहीं होगा हमें। तो ऐसी अथॉरिटी हमें इसको प्रोवाइड नहीं करनी, ताकि जो चेकिंग है, जो ऑडिटिंग है वो प्रॉपरली हो सके। नेक्स्ट क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल डाटा सोर्सेज। अब जनरली अगर एक बैंक की रिस्क प्रोफाइल को असेस कर रहा है कि बैंक यहाँ पर कौन कौन से रिस्क असेस कर रहा है कंप्लीटली, तो उसके लिए जरूरी है कि जो यील्ड कर्व्स है, जो एक्सचेंज रेट है, उसकी वेरिफिकेशन यहाँ पर की जाए। और इसको वेरिफिकेशन के लिए जो जो हमें डाटा चाहिए होता है वो जनरली एक्सटर्नल सोर्सेज से आता है। जैसे कि अगर आप एक्सचेंज रेट को वेरीफाई करते हो तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में जाकर जो एक्सचेंज रेट का डाटा है वो उठाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ से जब हम डाटा भी उठाते हैं तो इससे थोड़ा रिस्क जो है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो इसके लिए जरूरी है कि अगर आप किसी एक्सटर्नल सोर्स से डाटा उठा रहे हो तो इंश्योर करो कि वो जो सोर्स है वो कंसिस्टेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, और वो हमारी बैंक के साथ डायरेक्टली जो है वो कंसर्न ना हो, ताकि वेरिफिकेशन जो है वो इंडिपेंडेंटली की जा सके।
नेक्स्ट बात करते हैं डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी। तो जल्दी देखो, जब कोई डिजास्टर आ जाता है तो उसकी वजह से हमारा जो बिजनेस है वो ठप पड़ जाता है, हम अपने बिजनेस को परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बिजनेस को बहुत ज्यादा लॉस होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर जो मैन पावर है वो फेल हो जाए, यानी कि मान के चलो वो स्ट्राइक कर दे, वो काम करने से मना कर दे, तो उसकी वजह से हमारा बिजनेस ठप पड़ जाता है। या फिर मान के चलो जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे थे, जो मशीन्स वगैरह यूज कर रहे थे, वो ठप पड़ गई है, ठीक है। या फिर ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट है वो हमें नहीं मिल पा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें नुकसान होता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमें एक डिजास्टर रिकवरी प्लान यहाँ पर बनाना है। डिजास्टर रिकवरी प्लान क्या होता है, जब भी कोई डिजास्टर आ जाता है तो उससे हमें रिकवर कैसे करना है। जैसे अगर मान के चलो हमारे जो इम्प्लॉयज है उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, तो उन्हें हमें कैसे जो है सही रास्ते पर लेके रहना है, उससे जो नुकसान हुआ है उससे हमें कैसे रिकवर होना है, उसके लिए हमें पहले से ही प्लान जो है वो बना लेना चाहिए, और बार बार उस प्लान को टेस्ट भी करते रहना चाहिए, ताकि हम देख सके कि प्लान कितना इफेक्टिव है, कितने यूजफुल है जब सिचुएशन जो है एक्चुअली में अराइज होगी। तो डिजास्टर रिकवरी प्लान की डॉक्यूमेंटेशन करनी, ठीक है, और टेस्टिंग करनी काफी ज्यादा जरूर है, जिसके अंदर हम अपने फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस और जो ऑफ साइट फैसिलिटीज है उनको हमें इंक्लूड करना जरूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स एंड सिस्टम सपोर्ट, ठीक है। अब देखो, अगर हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वहां पर हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है और सिस्टम की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही अगर ट्रेजरी ऑपरेशन की बात करें तो जो ट्रेजरी ऑपरेशन है वहां पर जो हमें ह्यूमन रिसोर्स मिलता है वो काफी कम होता है एज कंपेरिजन टू जो हमारे अदर फंक्शन है बैंक की, जिसकी वजह से ट्रेजरी ऑपरेशन सही तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाता है। तो अगर हमें प्रॉपरली ट्रेजरी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो हमारे पास सफिशियंट ह्यूमन रिसोर्सेज होने चाहिए, ताकि जो ट्रेजरी ऑपरेशन से रिलेटेड जो डील प्रोसेसिंग है वो प्रॉपरली हम कर सके, और जो रिस्क रिपोर्टिंग है उसको भी हम प्रॉपरली यहाँ पर कर सके, और जो ट्रेजरी ऑपरेशन से रिलेटेड जो रिस्क है उसको हम प्रॉपरली मैनेज कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिपेंडेंट ट्रेड कंफर्मेशन एंड अप्रूवल। तो जब भी हम ट्रेजरी ऑपरेशन के अंदर कोई भी ट्रेड करते हैं, कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, सेल या परचेज करते हैं, तो उसकी जो कंफर्मेशन है, जो अप्रूवल है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और रिटर्न में होना जरूरी है, ताकि हम उस कंफर्मेशन को लेकर फटाफट से जो ट्रेड है उसको कर सके और प्रॉफिट वगैरह जो है वो कमा सके। क्योंकि जितना ज्यादा अप्रूवल मिलने में डिले होगा, अगर अप्रूवल सही तरीके से नहीं मिलेगा तो ट्रांजेक्शन भी सही तरीके से नहीं हो पाएगी और हमें लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें यहाँ पर जो मेकर, चेकर और अप्रूवर, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना उसे यूज करना है। अब यह कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसके अंदर देखो, जो ट्रांजेक्शन को शुरू करता है यानी कि जो मेकर होता है वो अलग पर्सन होता है, जो चेकर है जो ट्रांजेक्शन की डिटेल्स को चेक करता है वो अलग होता है, और जो अप्रूव करता है कि ये ट्रांजेक्शन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो अलग पर्सन होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना है, ताकि जो फ्रॉड है, जो गलतियां हैं, उसके चांसेस को हम यहाँ पर कम कर सके, ठीक है। साथ के साथ हमारा, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, तो अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करता है, तो उसे हमें ऐसी वो टीम जो कि यहाँ पर डील कर रही है, यानी कि कस्टमर के साथ डील कर रही है, उस टीम के अंदर उस पर्सन को हमें एंटर नहीं करना है, ताकि जो सेपरेशन है वो प्रॉपरली हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड अप्रूवल। तो अगर कोई न्यू प्रोडक्ट यहाँ पर अप्रूव किया जा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उस प्रोजेक्ट को, तो उसके लिए जरूरी है कि प्रोडक्ट को अप्रूव करने से पहले, इम्प्लीमेंट करने से पहले 360 डिग्री जो है वो स्कैन किया जाए, यानी कि हर पहलू उसका देखा जाए और फिर उसके बाद ही उसको अप्रूव किया जाए। साथ ही साथ उसकी ऑथेंटिकेशन करवानी भी जरूरी है, यानी कि उनको हमारे डिपार्टमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जैसे लीगल हो गया, ऑडिट हो गया, सिस्टम हो गया, ऑपरेशन हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, उसके द्वारा उसको अप्रूव करवाना भी जरूरी होता है, ऑथेंटिकेट कराना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑपरेटिंग मैनुअल्स, ठीक है। तो हमारे जितने भी रेगुलेटर्स होते हैं, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है उसको रेगुलेट करते हैं, ताकि रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके, उसको एक वेल डॉक्यूमेंटेड और अप्रूव्ड ऑपरेटिंग मैनुअल चाहिए होता है, जिसके हिसाब से वो अपने ऑपरेशंस को जो है वो परफॉर्म करता है। जिसको ऑपरेटिंग मैनुअल के बारे में नहीं पता, तो ये कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके हमें अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। जो कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब कि जो हमारे ऑपरेटिंग मैनुअल्स की जो डॉक्यूमेंटेशन की जा रही है, वो सिर्फ रेगुलेटर के लिए नहीं, बल्कि जो यूजर्स हैं, जो ऑडिटर्स हैं, उनके लिए भी काफी यूजफुल होती है, और जब वो इसका यूज करते हैं तो बैंक के अंदर जो कंसिस्टेंसी है वो काफी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कंसंट्रेशन रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है।
कंसंट्रेशन रिस्क क्या होता है, जब आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हो या फिर एक पर्टिकुलर सेक्टर में आप बहुत ज्यादा लोन प्रोवाइड कर देते हो, जिससे आपका जो रिस्क होता है वो ज्यादा इंक्रीज जो है हो जाता है। जैसे अगर मान के चलो आपने अपने जो बैंक है उसका 90% पैसा जो है एक सिंगल बॉरोवर को लोन के फॉर्म में दे दिया, तो अब जो कंसंट्रेशन रिस्क है वो काफी ज्यादा अराइज हो गया है, क्योंकि अगर ये फेल हो गया तो आपका 90% जो पैसा है वो डूब जाएगा। ठीक है, तो इस रिस्क को मैनेज करने के लिए जरूरी है कि हम यहाँ पर कुछ लिमिट जो है वो फिक्स करें कि कंसंट्रेशन रिस्क हम मैक्सिमम कितना अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि अगर सिंगल पार्टी को लोन देना है तो मैक्सिमम हम यहाँ पर 50 करोड़ दे सकते हैं, यानी कि अगर ये डूब भी जाते तो हम इसको संभाल पाएंगे, इससे हम डूबेंगे नहीं। तो एक लिमिट आपको यहाँ पर जो है फिक्स करनी जरूरी होता है, और इन लिमिट्स को आपको मॉनिटर करते भी रहना जरूरी होता है, ताकि जो कंसंट्रेशन रिस्क है उसको मैनेज करके लॉस होने के चांसेस है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं सम मिसकंसेप्शंस। ठीक है, अब ये जो रिस्क है ना उसके रिगार्डिंग कुछ मिसकंसेप्शंस है, या फिर आप इसको यहाँ पर मिथ भी कह सकते हो, गलत फहमियां हैं जो कि लोगों के दिमाग में होती है, उस मिथ के बारे में हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा मिथ है वो है रिस्क इज बैड, यानी कि जो रिस्क लेना है ना वो बुरा है, इसीलिए हमें हमेशा रिस्क को यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए, उसको हमें फेस नहीं करना चाहिए, हमें लाइफ में कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। पर ये एक मिथ है, ये गलत फहमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो रिस्क है ना वो एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो रिस्क हमेशा ही नेगेटिव होता है, क्योंकि अगर आपने रिस्क लिया तो उससे आपको लॉस होना ही होना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिस्क बेसिकली एक बैलेंसिंग एक्ट है हमारे रिवॉर्ड और कॉस्ट के अंदर, यानी कि जब भी हम यहाँ पर रिस्क लेते हैं तो हमें रिस्क को अवॉइड नहीं करना होता, बल्कि उसे मैनेज करना होता है, ताकि उससे जो लॉस होने के चांसेस है वो कम हो जाए और हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रिवॉर्ड मिल सके। ठीक है, तो जब भी हम कोई रिस्क लेते हैं तो उसमें दो चीजें जुड़ी होती है, पहला हमारा कॉस्ट, यानी कि अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमें कितने का नुकसान होगा, दूसरा कि अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमें कितना रिवॉर्ड यहाँ पर मिलेगा। तो ये जो रिस्क है ना इसको हमें बैलेंस करना होता है इन दोनों के बीच में, यानी कि कॉस्ट और रिवॉर्ड के बीच में, ताकि हम हमें जो लॉस है वो यहाँ पर कम से कम हो जाए। तो रिस्क को अवॉइड नहीं करना है, वो कोई बैड चीज नहीं है, बल्कि उसे आप प्रॉपरली मेजर करके मैनेज करके बैलेंस में ले आकर जो है यूज करो, तो वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे मैं अगर कुछ सेफ्टी प्रोफेशनल्स की बात करूं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी होगी, वो क्या मानती है कि जो रिस्क है वो नेगेटिव है, उसे हमेशा हमें अवॉइड जो है वो करते रहना जरूरी है। पर जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो हमेशा रिस्क को एक पॉजिटिव फॉर्म में भी लेता है और उसको मेजर करता है और उसको मैनेज करने की कोशिश जो है वो करता है। तो अगर हम बैंक की बात करें तो जो बैंकर्स होते हैं वो भी यहाँ पर रिस्क को एज अ बैलेंसिंग एक्ट यूज करते हैं, यानी कि उसकी कॉस्ट और फेलियर, जो कॉस्ट है और जो रिवॉर्ड है उसके बीच में एक बैलेंस बिठाते हैं, ताकि अगर लॉस होता है तब भी ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े और जो प्रॉफिट है वो मिले तो ज्यादा अच्छा यहाँ पर रहता है। ठीक है, हर रिस्क के अंदर कोई ना कोई रिवॉर्ड होता है, और उस रिवॉर्ड से ही मोटिवेट होके जो बैंक है वो यहाँ पर रिस्क कर लेते हैं। सेकेंड मिथ हमारे यहाँ पर देखो क्या है, द गोल इज टू बेनिफिट शेयर होल्डर। तो ये भी एक मिथ है, गलत फहमी है कि जो हमें हमें जो काम करना है ना वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो शेयर होल्डर है, जो ओनर्स है, उसको बेनिफिट पहुंचाने के लिए करना है। बेनिफिट कैसे पहुंचाना है, यानी कि उसकी जो शेयर की जो वैल्यू है उसे हमें यहाँ पर इंक्रीज करने के लिए जो है वो काम करना है, और कोई हमारा काम नहीं है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो जो बैंक है, अगर बैंक है तो वो किस लिए ऑपरेट कर रही है, अपने शेयर होल्डर को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, उसकी शेयर्स के प्राइस को बढ़ाने के लिए। पर ये क्या है, एक मिथ है, ये गलत है। जो हमारी कंपनीज होती है या फिर जो बैंक होती है उसे सिर्फ शेयर होल्डर के लिए काम नहीं करना होता, बल्कि जो बाकी के स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे इंप्लॉयज हो गया, कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, लैंडर हो गया, रेगुलेटर हो गया, इन सभी के लिए उसे यहाँ पर जो है वो काम करना है। क्यों करना है ऐसा, क्योंकि देखो जब एक बैंक सिर्फ शेयर होल्डर के बारे में सोचता है तो वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट कमाने के बारे में सोचता है, ठीक है, और जिसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म उसका एक पॉइंट है, लॉन्ग टर्म गोल है, वो यहाँ पर अचीव नहीं हो पाता और वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं हो पाती। यानी कि अगर कोई पॉलिसी शॉर्ट टर्म में शेयर होल्डर को बेनिफिट पहुंचा रही है तो वो उसको यूज कर लेगी, जिसका लॉन्ग टर्म में जाके यहाँ पर नेगेटिव हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो बैंक को इस मिथ को, लोगों को इस मिथ को छोड़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि एक बैंक यहाँ पर सिर्फ अपने शेयर होल्डर के लिए काम नहीं करती, बल्कि बाकी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज वगैरह हो गए, रेगुलेटर्स हो गए, उनके लिए भी काम जो है
वो करती है, और बैंक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रॉपरली रिस्क को असेस करके उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करके उसको मैनेज करे और एक ऐसा सिस्टम स्टैब्लिश करे कि वो सभी स्टेक होल्डर को साथ में लेकर जो है वो चल सके। नेक्स्ट हमारा जो मिथ है वो ये है कि लोग मानते हैं कि जो रिस्क को मैनेज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ उस स्पेशलिस्ट के पास है। यानी कि जैसे मान के चलो जो सीईओ हो गया, जो हमारा एक बड़ा ऑफिसर हो गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो लोग मानते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिस्क है उसको मैनेज करने का काम सिर्फ इन बड़े बड़े लोगों का ही है, इन स्पेशलिस्ट का ही है। पर ऐसा नहीं है, ये भी एक मिथ है। बल्कि सही बात क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे होते, पीपल काम कर रहे होते हैं, उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है रिस्क को मैनेज करने के लिए। छोटे से छोटा एम्प्लॉय जो यहाँ पर छोटी से छोटी डीलिंग कर रहा है, ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस ट्रांजेक्शन को प्रॉपरली करे और उस ट्रांजेक्शन के साथ जो रिस्क जुड़ा हुआ है उसको प्रॉपरली यहाँ पर मैनेज कर सके। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे इम्प्लॉयज के बीच में जो रिस्क अवेयरनेस है उसको क्रिएट किया जा सके, उसकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज है उनको इंक्रीज किया जा सके, ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके और रिस्क को मैनेज करने में हमारी हेल्प जो है वो कर सके, और ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क मैनेजमेंट है उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो दे सके। नेक्स्ट जो हमारा मिथ है वो है रिस्क कैन बी ट्रांसफर्ड, यानी कि हम ना रिस्क को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और इस मिथ को मानकर कई बैंक क्या करते हैं, लोन दे देते हैं, ठीक है, और उसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं और सोचते हैं कि हमने इस लोन से जुड़ा जितना भी क्रेडिट रिस्क है उसको यहाँ पर इंश्योरेंस करेंसी इंश्योरेंस कंपनी पे जो है वो ट्रांसफर कर दिया। पर ये गलत है, ये एक मिथ है। एक्चुअल सच्चाई क्या है कि आप रिस्क को ना शेयर कर सकते हो पर उसको प्रॉपरली ट्रांसफर जो है वो नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर मान के चलो एक्स वाई लिमिटेड एक बैंक है, उसने यहाँ पर 50 लाख रुपए का यहाँ पर लोन दिया ए पर्सन को, और इसका यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी से उसने इंश्योरेंस जो है वो करा लिया, तो यहाँ पर बेसिकली उसने रिस्क को इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो है वो शेयर किया है। चाहे ये पर्सन डिफॉल्ट कर देता है और इंश्योरेंस कंपनी इसका पैसा बैंक को दे देती है, पर फिर भी इस काम के बावजूद भी हमारा जो बैंक है जिसने ये डिसीजन लिया था लोन लेने के लिए, उसको इस इवेंट की वजह से कोई ना कोई यहाँ पर लॉस होना ही होना है, चाहे उसके रेपुटेशन का लॉस हो या है लिक्विडिटी की शॉर्टेज हो, वो होना ही होना है। यानी कि चाहे हम कोई भी टेक्निक का यूज कर ले, हम 100% रिस्क को ट्रांसफर नहीं कर सकते। कुछ हिस्सा उसको हम दूसरे के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं, पर उस शेयर करने के बाद भी हमें जो रिस्क है वो हमारे पास रहता ही रहता है। यानी कि रिस्क होने की वजह से हमें भी लॉस होने के चांसेस होते ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑन रिस्क। अब कुछ रिस्क के बारे में एक डिटेल्ड में यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो रिस्क ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके तीन फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं जिसके जवाब उसे देने पड़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट रिस्क विल बी द बैंक नॉट एक्सेप्ट, यानी कि ऐसा कौन सा रिस्क है जो कि बैंक को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि एनवायरमेंटल रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, या फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज से रिलेटेड जो रिस्क है उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद व्हाट रिस्क विल बी द ऑर्गेनाइजेशन टेक ऑन न्यू इनिशिएटिव, यानी कि अगर कोई हमारी बैंक जो है कोई न्यू इनिशिएटिव लेते हैं, जैसे कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो उसे कौन सा रिस्क जो है वो लेना पड़ सकता है इस न्यू इनिशिएटिव की वजह से। उसके बाद व्हाट रिस्क विल बी द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट फॉर कंपीटिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमारा जो कंपीटिंग ऑब्जेक्टिव है दूसरों के साथ, कंपिटिटर्स के साथ जो कंपीट करने का ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए हमारे जो बैंक्स हैं वो कौन सा रिस्क एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट को कम करके मार्केट शेयर को कैप्चर करना, या फिर मार्केट शेयर को कम करके ग्रॉस प्रॉफिट को इंक्रीज करना, इन दोनों में से कौन सा रिस्क वो ले सकती है वो यहाँ पर डिसाइड करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए जरूरी है कि जो रिस्क ऑर्गेनाइजेशन है वो जो हमारी कंपनी के जो अदर डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो गया, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट हो गया, ऑडिट डिपार्टमेंट हो गया, उनके साथ में मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पर जो है वो काम करे। यानी कि जो रिस्क ऑर्गेनाइजेशन है वो आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते, वो सिंगलली रिस्क को मैनेज नहीं कर सकते, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको बाकी डिपार्टमेंट्स की सपोर्ट की भी यहाँ पर जरूरत होती है। यानी कि उन सभी के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर ही वो इन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो कर सकता है। तो जो ज्वाइंट एफर्ट इन सभी का, ये मिलकर इन तीन बेसिक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, और जो बैंक का रिस्क एपिटाइट है उसको डिटरमाइन भी कर सकते हैं। यानी कि बैंक मैक्सिमम रिस्क कितना ले सकता है उस चीज को डिसाइड जो है वो कर सकता है। इस काम के लिए सभी को साथ मिलकर काम करना जरूरी होता है, ठीक है। साथ के साथ जो रिस्क एपिटाइट है बैंक का
वो डिसाइड करता है चार ऑप्शंस जिसका यूज करके बैंक अपने रिस्क को मैनेज करता है। कौन कौन से? पहला है एक्सेप्ट, यानी कि वो रिस्क को एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर दूसरा है अवॉइड, वो रिस्क को अवॉइड कर सकता है, या फिर तीसरा है कि वो रिस्क को एक्सेप्ट करके उसको रिड्यूस कर सकता है, या फिर चौथा है कि वो रिस्क को किसी दूसरी पार्टी के साथ शेयर कर सकता है। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए वो ये चार ऑप्शंस का यूज जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं द मेथड यूज्ड टू हैंडल दिस ऑप्शंस आर, इन ऑप्शंस को जब एक बैंक यूज करता है तो उसको हैंडल करने के लिए बैंक के पास क्या क्या मेथड्स अवेलेबल होते हैं। पहला देखो क्या है, मॉनिटर, कि वो रिस्क को एक्सेप्ट करके उसको मॉनिटर कर सकता है, या फिर एलिमिनेट कर सकता है, बिल्कुल ही हटा सकता है, या फिर इंस्टीट्यूट कंट्रोल, या फिर शेयर कर सकता है रिस्पेक्टफुली, जो भी उसको यहाँ पर सही रहे। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो हमारा रिस्क ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने फंक्शंस को थ्री लेवल्स के ऊपर जो है वो परफॉर्म करता है, यानी कि तीन लेवल्स के ऊपर रिस्क ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और रिस्क को आइडेंटिफाई, मेजर और मैनेज जो है वो करती है। वो तीन लेवल्स क्या है? तो पहला लेवल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, और तीसरा है हमारा ऑपरेटिंग मैनेजमेंट। तो इन तीन लेवल्स के ऊपर जो लोग हैं वो यहाँ पर काम करते हैं रिस्क को असेस करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और मैनेज करने के लिए। तो एक एक करके इन लेवल्स के बारे में डिटेल में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो होती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या फिर कंपनी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही लेते हैं। यानी कि कंपनी कैसे काम करेगी, किस प्रोडक्ट में डील करेगी, उसको कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका मेन काम क्या होता है? तो इसका मेन काम होता है पॉलिसीज को बनाना, डायरेक्शन देना अपने अपने से जो नीचे मैनेजमेंट लेवल्स हैं कि इस काम को जो है इस तरीके से यहाँ पर करना है। जैसे मान के चलो एग्जांपल के लिए एक नया प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर बनाना है, तो इसके रिगार्डिंग पॉलिसी कौन बनाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और इस पॉलिसी को वो इंप्लीमेंट करने के लिए जो सीनियर मैनेजमेंट रहता है उसको देता है, वो आगे ऑपरेशन मैनेजमेंट को यहाँ पर जो है वो देता है। क्लियर है? तो ये एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है जो कि डिसाइड करती है कि जो बैंक है उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, वो कैसे यहाँ पर जो है वो काम करेगा। इसका मेन काम क्या है? रिस्क को मैनेज करना, उसके बाद जो कॉमन डायरेक्शंस है वो यहाँ पर सेट करना, साथ के साथ जो बैंक है उसके अंदर वो कैपेबिलिटी पैदा करनी कि वो अपने रिस्क को प्रॉपर यहाँ पर मैनेज जो है वो कर सके, ठीक है। साथ के साथ जो रिस्क एपेटाइट है, यानी कि जो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क है जो कि बैंक यहाँ पर फेस कर सकता है, ले सकता है, उसको डिटरमाइन करने का काम भी यहीं पर इसी बोर्ड का ही होता है। और इसको ध्यान रखना होता है कि जो रिस्क का लेवल वो ऐसा होना चाहिए कि लॉस भी कम हो और जो रिटर्न है वो भी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मिले, यानी कि सिंपल भाषा में उसे यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड और कैपिटल एलोकेशन के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस जो है वो बिठाना जरूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज की। ये कौन कौन सी रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करता है? तो सबसे पहले जो ओवरऑल रिस्क सिचुएशन होती है उसको मॉनिटर करने का काम करता है, ताकि जो रिस्क हो सकते हैं फ्यूचर में, हमें जो रिस्क अराइज हो सकते हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर सके और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी को बना सके। साथ ही साथ जो टोटल बैंक एक्सपोजर है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो टोटल बैंक ने यहाँ पर लोन वगैरह दिया हुआ है और उससे जो रिस्क यहाँ पर अराइज किया हुआ है उसको भी असेस करने का काम इसी का यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट जो रिस्क असेसमेंट जो मेथड है उनकी इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करना, कि ये जो मेथड्स हम यूज कर रहे हैं रिस्क को असेस करने के लिए क्या ये ठीक है या फिर नहीं है, ये प्रॉपरली रिस्क को असेस कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, वो चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है। हमें जो है कंसल्टेटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का यूज करना है, यानी कि हमें जो अदर डिपार्टमेंट्स है उसके रिप्रेजेंटेटिव को भी रिस्क को मैनेज करने की जो प्रोसेस है उसके अंदर शामिल करना है, और उसके व्यू पॉइंट भी लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग है जो डिसीजंस है वो लेने हैं। नेक्स्ट क्या है? डेलीगेशन एंड ओवरसाइट। अब जो बोर्ड होता है वो बेसिकली कुछ डायरेक्शन सेट करता है, कुछ यहाँ पर पॉलिसीज बनाता है, पर डायरेक्टली उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का काम इसका नहीं होता है। यानी कि जो डे टू डे बेसिस पर रिस्क मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है वो बोर्ड जो है वो यहाँ पर परफॉर्म नहीं करता, बल्कि बोर्ड जो है इस काम को सीनियर मैनेजमेंट के थ्रू जो है वो करवाता है। यानी कि बोर्ड यहाँ पर पॉलिसी बना देता है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन सेट कर देता है और इसे प्रोवाइड कर देता है किसे? सीनियर मैनेजमेंट को, और सीनियर मैनेजमेंट इसको इंप्लीमेंट करता है और जो डे टू डे रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज होती है उसको जो है वो मैनेज करता है। अब जो बोर्ड होता है वो एक यहाँ पर कंट्रोल भी करके रखता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर वो डे टू डे बेसिस पर रिस्क को मैनेज नहीं करता है तो उसका कोई कंट्रोल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो रेगुलेशन का काम करता है, ओवरसाइट करने का काम करता है कि जो मैंने पॉलिसीज बनाई थी वो सही तरीके से इंप्लीमेंट की जा रही है कि नहीं की जा रही है ना, उस चीज को देखने का काम जो है वो बोर्ड परफॉर्म करता है।
नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। तो जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे आता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो भी यहाँ पर पॉलिसी बनाया है, फ्रेमवर्क बनाया है, उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना, उसको ऑपरेशन में लेकर आना। जैसे इसमें हम बेसिकली कौन आ जाते हैं, हमारे जो सीईओ आ जाते हैं या फिर जो हमारे सीनियर मैनेजर होते हैं वो आ जाते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पॉलिसी बनाई, उसने ट्रांसफर किया सीनियर मैनेजमेंट को, और इसने अब इसको इंप्लीमेंट कर दिया और उसके ऊपर काम करवाना जो है वो शुरू कर दिया है, ठीक है। अब जो कंसंट्रेशन ऑफ एक्सपोजर होता है उसको मॉनिटर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट फिक्स कर देते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये जो लिमिट्स होती है इनको अप्रूव करने का काम कौन करता है, सीनियर करता है। जैसे अगर मान के चलो हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसने कहा कि हमें क्रेडिट रिस्क जो है वो कम से कम लेना है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक लिमिट यहाँ पर फिक्स कर दी। किसने की है, ये सीनियर मैनेजमेंट में, और इस लिमिट के अंदर ही क्रेडिट रिस्क जो है वो लिया जाएगा। अब इसके फंक्शंस की यहाँ पर बात करते हैं, इसके यहाँ पर फंक्शंस क्या क्या है। तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेंटेनिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, यानी कि हमारे जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज है, चाहे वो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, डे टू डे बेसिस पे, उसके लिए पॉलिसीज को बनाना, ठीक है, प्रोसीजर को बनाना, ताकि उसको फॉलो करके जो बिजनेस एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म किया जा सके और जो रिस्क है उसको कंट्रोल में रखा जा सके, उसको मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट यह है प्रोवाइडिंग इनपुट टू द बोर्ड, यानी कि जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनको जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए डिसीजन मेकिंग करने के लिए वो प्रोवाइड कर, ठीक है। तो जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट है या फिर जो रिस्क फेस किए जा रहे हैं, जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है, उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो सीनियर मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और वो उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर जो है वो यहाँ पर पॉलिसीज को बनाते हैं, डिसीजन वगैरह जो है वो लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिस्क के रिगार्डिंग उसको शेयर किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर, जैसे कि फॉर्मेटेड रिपोर्ट्स बनाकर या फिर रेगुलेटर प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा या फिर इंटरनल मॉनिटरिंग डाटा के थ्रू जो है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेटेड रिस्क टू प्लानिंग। तो इसके अंदर जितने भी हमारे रिस्क कंसिडरेशन हैं उनको हमारे जितने भी बिजनेस प्लान है उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। जैसे आप लोगों को पता है कि जो रिस्क मैनेजमेंट है उसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है, तो जब भी हम कोई बिजनेस प्लान बना रहे हैं तो उसके अंदर जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको भी इंक्लूड जो है वो कर लेना है, कि इसके अंदर जो रिस्क है उसको हम कैसे यहाँ पर मैनेज जो है वो कर सकते हैं, क्या क्या रिस्क हमें फेस करने पड़ सकते हैं, उसको भी इस बिजनेस प्लान के अंदर इंक्लूड करना है, ताकि हम जब भी बिजनेस प्लान को इम्प्लीमेंट करें तो उसको रिस्कों को कंसिडर करके ही इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद रिपोर्टिंग सिस्टम को हमें इस्टेब्लिश करना है, ताकि जो रेगुलर अपडेट्स हैं या फिर कोई अगर एक्सेप्शनल सिचुएशन आती है तो उसके बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके। उसके बाद जो थर्ड लेवल है वो है हमारा ऑपरेटिंग मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग मैनेजमेंट के अंदर वो लोग आ जाते हैं जो कि एक्चुअली में बिजनेस करते हैं और एक्चुअली में रिस्क लेते हैं। जैसे कि अगर कोई एक हमारा यहाँ पर एम्प्लॉय है, ठीक है, वो एक्चुअली में कस्टमर के साथ डील करता है और उसको यहाँ पर लोन प्रोवाइड करता है, तो ये जो एम्प्लॉय है जो लोन प्रोवाइड कर रहा है ये हमारा किसमें आ जाता है, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट के अंदर जो है वो आ जाता है, ठीक है। अब इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसके बारे में हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि इसके पास जितनी अथॉरिटी होती है उस उतनी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ही इसे यहाँ पर काम करता होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने बताया कि एक ए पर्सन है, उसको अथॉरिटी के वो मैक्सिमम 50 लाख रुपए का लोन दे सकता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का ही लोन दे, इससे नीचे के लोन दे, इससे ज्यादा अमाउंट का लोन वहां पर जो है वो प्रोवाइड ना करे। तो जो भी सीलिंग यहाँ पर दी गई है या फिर जो प्रोसीजर बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ही इसे काम करना होता है। नेक्स्ट क्या है, ऑब्टेनिंग एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। अगर वो किसी कस्टमर के साथ, काउंटर पार्टी के साथ डील कर रहा है तो ट्रांजेक्शन करने से पहले उसे उससे उसके रिगार्डिंग जो एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर कलेक्ट करने है। जैसे एग्जाम्पल दें तो अगर कोई पर्सन लोन लेने के लिए है तो पहले लोन देने से पहले उसे उसकी क्रेडिट हिस्ट्री की पता लगाना है कि क्रेडिट हिस्ट्री उसकी कैसी है, उसके बाद जो एसेट गिरवी रख रहा है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है इकट्ठी करने, उसके बाद ट्रांजेक्शन को सेटल करना है, उसके बाद जो मार्केट सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग सफिशियंट डिटेल्स को इकट्ठा करना है, ताकि उसके हिसाब से ही वो अपने प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग वगैरह है, जो इंटरेस्ट रेट जो है वो डिसाइड जो है वो कर सके, ठीक है। साथ के साथ जो काउंटर पार्टी एक्सपर्टीज है उसका भी ध्यान रखना है, यानी कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो क्या उसके पास वो एक्सपर्टीज है। से अगर एक पर्सन आपके पास लोन लेने के लिए आया है कि मुझे यहाँ पर बेकरी खोलनी है, तो आपको देखना है कि क्या पर्सन के पास वो स्किल्स है बेकरी को चलाने के लिए, है ना, और उसके बेस पर ही आप यहाँ पे लोन जो है वो दोगे। उसके बाद फंडिंग रिक्वायरमेंट को आपको असेस करना है, और उस फंडिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको नेसेसरी अरेंजमेंट भी यहाँ पर करने हैं, ठीक है। साथ के साथ आपको टाइमली बेसिस पे एक्यूरेटली जो है कुछ कंट्रोल इस्टेब्लिश करने हैं, ताकि जो रिस्क है उसको कंट्रोल किया जा सके, और जो अप्रूव्ड पॉलिसीज है
जो टॉप मैनेजमेंट बनाई है, सीनियर मैनेजमेंट ने इंप्लीमेंट किया है, उसे आपको फॉलो करना भी जरूरी होता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होता है। जो इनकम स्टेटमेंट होती है उसको आपको डेली बेसिस पे जो है वो बनाना होता है, ठीक है। जो प्राइसेस है, जो रेट्स है, उनको रिव्यू करके, इंडिपेंडेंट रिव्यू करके जो है उसको चेंज करना भी जरूरी होता है। जो कंफर्मेशन है उसको भी लेना जरूरी है, यानी कि अगर आपने मान के चलो जितने भी ट्रेड्स आप कर रहे हो सेम डे बेसिस पे, उसके रिगार्डिंग आपको पहले कंफर्मेशन लेनी है, फिर ही आप ट्रेड जो है वो कर सकते हो। उसके बाद जो सीनियर स्टाफ है उससे आपको ऑथराइजेशन लेनी है, जब भी आप कैश या फिर सिक्योरिटी मूवमेंट जैसे ट्रांजेक्शन को सेटल करते हो। जो रिकंसाइनमेंट है इंटरनल काउंटर पार्टी अकाउंट्स की, उनको हमें रेगुलर बेसिस पे करना है, यानी कि जो एक पर्टिकुलर कस्टमर आपके पास आया उसके साथ आपने कोई ट्रांजेक्शन की, तो उसकी डिटेल आपने अपने इंटरनल अकाउंट में भी रिकॉर्ड की होगी और उसके अकाउंट में भी रिकॉर्ड की होगी, ठीक है। तो उसकी डिटेल्स को आपको मैच करना जरूरी होता है, साथ के साथ कंट्रोल को भी स्टैब्लिश करके रखना है, ताकि जो एसेट्स है उनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके, बैंक की भी एसेट को और जो कस्टमर है उसकी भी एसेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेजरी फंक्शन स्ट्रक्चर। तो ट्रेजरी फंक्शन का यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, तो बेसिकली ट्रेजरी फंक्शन को हमने तीन पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है डीलिंग रूम, ठीक है। तो डीलिंग रूम के अंदर बेसिकली हमारे डीलर्स आते हैं, जो कि यहाँ पर एक्चुअली में ट्रांजेक्शन को सेटल करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी आपको, ए पर्सन है वो यहाँ पर बी पर्सन के साथ एक्चुअली में ट्रांजेक्शन को सेटल करता है, डीलिंग करता है। तो ये पर्सन हमारा क्या है, डीलर है, और किस में आता है, डीलिंग रूम के अंदर आता है। और जो जितने भी हमारे डीलर्स हैं उनको अपनी जो भी उन्होंने ट्रांजेक्शन किया उसकी रिपोर्ट बनाकर हेड ऑफ द ट्रेजरी को रिपोर्ट करना जरूरी होता है। उसके बाद देखो हमारा बैक ऑफिस आता है, तो बैक ऑफिस के अंदर वो लोग आ जाते हैं जो कि डायरेक्टली ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि उसके रिगार्डिंग जितना भी पेपर वर्क होता है उसको सेटल करने के लिए, जो भी पेपर फॉर्मेलिटीज होती है उसको पूरा करने की कोशिश, काम पूरा करने का काम जो है वो करते हैं। जैसे कि डील को कंफर्म करना, अकाउंटिंग करना, रिकंसलेशन करना, ये सारा काम हमारे बैक ऑफिस का जो है वो होता है। और इसके अंदर भी जो स्टाफ होता है उसे हेड ऑफ द ट्रेजरी को रिपोर्ट करना जरूरी होता है। उसके बाद देखो क्या है, मिड ऑफिस। मिड ऑफिस बेसिकली एक वॉच डॉग है डीलिंग रूम का, यानी कि जो हमारे डीलिंग रूम में ऑपरेशंस हो रही है वो सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको मैंने मॉनिटर करने का काम और रिपोर्टिंग करने का काम जो है वो मिड ऑफिस का होता है। तो ये मॉनिटर करता है, जो भी रिजल्ट मिलता है उसके बेस पर वो हेड ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट को रिपोर्ट बनाकर जो है वो प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट क्या है, इंटरनल ऑडिट फंक्शनर्स, यानी कि इंटरनल ऑडिट के अंदर क्या क्या फंक्शंस यहाँ पर परफॉर्म करने पड़ते हैं, इंटरनल ऑडिट के क्या फंक्शंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला फंक्शन है मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारे अदर मैनेजमेंट टीम्स है वो क्या करते हैं, कुछ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश करते हैं, डेवलप करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। जो हमारा इंटरनल ऑडिट है इसका क्या काम होता है, इन सिस्टम का जो भी सिस्टम यहाँ पर बनाए गए हैं, प्रोसीजर बनाए गए हैं, उनको रिव्यू करना, उनको चेक करना कि ये सिस्टम जो है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन के अंदर उसे इन क्रिटिकल कंट्रोल सिस्टम और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस को रिव्यू करना जरूरी होता है, जिसके बेस पर वो यहाँ पर इंप्रूवमेंट जो है वो करने के लिए सजेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है असेसिंग रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर जो भी हमारे प्रोसीजर्स बनाए गए थे रिस्क असेसमेंट के लिए, उनको जो है रिव्यू करता है, उसकी इफेक्टिवनेस को यहाँ पर इवैल्यूएट करता है कि ये जो सिस्टम है वो कितने अच्छे तरीके से जो है वो काम कर रहा है रिस्क को असेस करने के लिए। और ये हमें एक वैल्यूबल फीडबैक भी प्रोवाइड करता है, जिसका बेस पर हम यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है रिस्क असेसमेंट का उसको और इम्प्रूव जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल सिस्टम एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजी। तो जो हमारी बैंक्स होती है उन्हें एक प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम और मिटिगेशन स्ट्रेटजी को जो है इंप्लीमेंट करना जरूरी होता है, मतलब पहले डिजाइन करना पड़ता है फिर इंप्लीमेंट करना जरूरी होता है, ताकि जो कंट्रोल सिस्टम है वो प्रॉपरली काम जो है वो कर सके। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो हेजिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। तो पहले बैंकों को हेजिंग स्ट्रेटजी डिजाइन करनी पड़ती है, फिर उसे इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो जो इंटरनल ऑडिट है वो इन सिस्टम और स्ट्रेटजी को भी रिव्यू करता है और देखता है कि ये सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और इसके डिजाइन के ऊपर और इसके इंप्रूवमेंट से रिलेटेड कुछ एडवाइस जो है वैल्यूबल एडवाइस प्रोवाइड करने का काम जो है वो करता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिसोर्स एलोकेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन। तो इसके अंदर जो इंटरनल ऑडिट प्रोसेस है वो यहाँ पर ध्यान रखता है कि जो ऑडिटिंग है ना वो इस तरीके से की जाए कि हमारे जो हाईएस्ट रिस्क है, यानी कि ऐसे रिस्क जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनको पहले जो है ऑडिट किया जाए, उसके बाद जो लो रिस्क है एरियाज है वहां पर ऑडिटिंग बाद में की जाए, यानी कि जहां पर ज्यादा रिस्की काम चल रहा है उसकी ऑडिटिंग पहले की जाए
और जो बाकी के रिस्क है उनको बाद में असेस किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन को बड़े लॉस होने से बचाया जा सके। ठीक है, तो प्रायोरिटी हमें यहाँ पर जो है डिसाइड करनी जरूरी होती थी। ये क्या था, इंटरनल ऑडिट फंक्शनर्स। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन बैंक चैलेंजेस। तो जो हमारी इंडियन बैंक्स है वो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से यहाँ पर चैलेंजेस फेस कर रही है और उसमें वो कितनी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चैलेंजेस की यहाँ पर बात करते हैं। तो जो पहला चैलेंज है वो क्या है, डाटा से रिलेटेड। तो जो इंडियन बैंक्स है उसका जो डाटा होता है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज में पड़ा होता है, यानी कि कोई सेंट्रलाइज जगह नहीं होती है जहां पर हम सारा डाटा को एक साथ स्टोर करके रख सकें, जिसकी वजह से हम उस डाटा को प्रॉपरली एक्सेस नहीं कर पाते हैं और उसके वजह से जो हमारे डिसीजंस होते हैं वो काफी डिले हो जाते हैं। उसके बाद लैक ऑफ सेंट्रलाइज अथॉरिटी। कोई एक सिंगल अथॉरिटी नहीं है जो कि हमारे बैंक से रिलेटेड जितने भी रिस्क है उसके रिगार्डिंग जितना भी डाटा है उसको यहाँ पर कलेक्ट करे। तो डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट हायरार्की लेवल पे जो है वो डाटा को इकट्ठा करने का काम करते हैं और अलग अलग जगह पे स्टोर करके जो है वो रखते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिटेल होलसेल बिजनेस। तो जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो वहां पर रिटेल और होलसेल बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो अकाउंटिंग की जाएगी वो रिटेल और होलसेल बिजनेस के अकॉर्डिंग की जाएगी। पर जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहां पर ये जो सेग्रेशन है वो यहाँ पर नहीं रह पाती है, प्रॉपरली नहीं जो है एग्जिस्ट कर पाती, यानी कि हम होलसेल और रिटेल बिजनेस में सेपरेशन प्रॉपरली नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन सिलोस। इंफॉर्मेशन सिलोज के अंदर हमारी ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन होती है वो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही होती है, यानी कि हमें बड़ी बड़ी फाइलें बनानी पड़ती है जहां पर हमें डाटा इकट्ठा करके रखना पड़ता है, जिसकी वजह से डाटा की जो सिक्योरिटी होती है वो काफी कॉम्प्रोमाइज जो है वो होती है। नेक्स्ट क्या है, इनएडिक्वेट टेक्नोलॉजी। जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो भी प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से हम टाइमली बेसिस पे सही तरीके से डाटा को कैप्चर नहीं कर पाते हैं और उसको हम मेजर भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो रिस्क असेसमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्या है, डाटा रिडेंसी। तो डाटा रिडेंसी काफी देखने को मिलती है, यानी कि आप एक ही डाटा को बार बार जो है वो कलेक्ट करते हैं। जैसे एक ही कस्टमर है, ठीक है, उसका एक बैंक के अंदर जो है वो काम करता है, मतलब एक बैंक के साथ डील करता है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस है वो एक एक करके उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है जो उनके लिए जरूरी है उनको कलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारे जो कस्टमर रिलेशनशिप है वो इन्फॉर्मेशन उस कस्टमर के बारे में कलेक्ट करेंगे, जो कैशियर है वो कलेक्ट करेगा, ठीक है, जो लोन डिपार्टमेंट है वो कलेक्ट करेगा। तो वो अपने अपने बेसिस पे कलेक्ट करते हैं, जिससे एक ही डाटा को बार बार कलेक्ट किया जाता है और उसको मेंटेन करके ये किया जाता है, जिससे डाटा रिडंडेंसी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इंप्रूविंग रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस। अब ये रिस्क मैनेजमेंट को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके लिए काफी एक्शंस यहाँ पर लिए गए हैं। जैसे कि जो सेंट्रलाइज MIS है उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया था, यानी कि जो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसको इंप्लीमेंट किया गया था। इसके अंदर एक स्ट्रीमलाइन, मतलब कि एक सिंगल प्रोसेस को हम फॉलो करके जो है सारा का सारा इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो उसको कलेक्ट करते हैं और उसको रिपोर्ट भी कर पाते हैं, जिससे एक सेंट्रलाइज सिस्टम को हम डेवलप कर पाए। साथ के साथ कोर बैंकिंग सोल्यूशन। तो जो भी डाटा हम यहाँ पर सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर हम स्टोर करके रखते हैं, उस डाटा को हम कोर बैंकिंग सोल्यूशन की हेल्प से कहीं से भी कभी भी एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। यानी कि पहले इनिशिएट में से हमने क्या किया, जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है उसको हमने एक जगह पे कलेक्ट करके रख दिया, स्टोर करके रख दिया, और दूसरे इनिशिएटिव यानी कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की हेल्प से हम कहीं से भी कहीं पर भी बैठे उस डाटा को एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग। तो हमने एक फॉरम बनाई जिसकी हेल्प से हम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट कर पाते हैं बैंकों के अंदर, ताकि वो उसको यूज करके अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सके और ओवरऑल जो रिस्क है उसको ओवरऑल जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है उसको इंप्रूव कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं एक्शन फॉर बैंक्स। बैंक को यहाँ पर कौन कौन से एक्शंस लेने की जरूरत पड़ी है, तो सबसे पहले बैंक वाइड यहाँ पर क्या है, ऑडिट करवानी है ताकि हमारे जो क्रिटिकल एरियाज है रिस्क के उसको आइडेंटिफाई किया जा सके और उसको रैंक भी किया जा सके। ठीक है, उसके बाद जो करंट रिस्क एनवायरमेंट है उसको असेस किया जा सके और जो जो रिस्क हम फेस कर रहे हैं उसको हम असेस कर सके। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ बेंचमार्क या फिर स्टैंडर्ड जो है वो हर रिस्क टेकिंग एक्टिविटी के लिए फिक्स करने हैं और स्टैंडर्ड के अंदर ही हमें रिस्क जो है वो लेना है। साथ के साथ एक ऐसा मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करना है जिससे रिस्क को प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जा सके, उसको मेजर किया जा सके, उसको मॉनिटर भी किया जा सके, और जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये हमें प्रॉपरली डिफाइन करनी है। तो जो रिस्क ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेप्स थे, सेटअप करने के जो स्टेप्स थे, वही सेम चीजें बैंक को यहाँ पर फॉलो करना है और एक प्रॉपर रिस्क ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना है जो कि रिस्क को
आइडेंटिफाई करने में, मेजर करने में और मैनेज करने में हमारी कंपनी की हेल्प जो है वो कर सके। तो यहाँ पर जो हमारा आज का चैप्टर है वो ओवर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए, और अगर आपको क्लियर है तो भी एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिए ताकि मुझे भी पता लग जाए कि आपको यहाँ पर क्लियर है। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजिली रिविजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजिली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबी ऑफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक आईओएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारी कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हो। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।